सिंगरौली जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 नाबालिग बच्चा गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवी आपदा की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शहीद तहसील के 3 गुणी पुलिस चौकी सरी थाना ग्राम दियागढ़ी इलाके की घटना है। चारों बच्चे एक साथ पहाड़ के नीचे जामुन तोड़ने गए हुए थे, जहाँ अचानक जोरदार गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में 10 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गई है। परिजनों ने गंभीर रूप से झुलसे बच्चों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत हो गई, 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए, इसमें से 1 के परिवार के 2 बच्चे शामिल थे और आस पड़ोस के बच्चे थे। सूचना मिलते ही सरे टीआई संतोष तिवारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना सरे के ग्राम दियागढ़ी में 4 बच्चे खेल रहे थे और जामुन के झाड़ में जामुन बोल रहे थे, उसी समय जामुन के पेड़ में बिजली गिरी, जिससे 12 साल की बच्ची जो है वो बिजली से गिरने से वो झाड़ से गिर के बगल में नीचे नाला था, नाले में चली गई और कभी एक किलोमीटर बह गई और उसकी मृत्यु हो गई। शेष 3 बच्चे जो उसके साथ खेल रहे थे वो भी लगभग 10-11 वर्ष के थे, वो भी घायल होकर के मूर्छित पड़े हुए थे। पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की का शव जो है नदी में पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस गई और जब बच्ची के लिए घर वालों का पता लगाया और पास में बिजली मिली की सूचना भी थी, उसी सहारे वहाँ तक पहुँचे तो 3 बच्चे और मिले जो मूर्छित अवस्था में घायल थे, जो आकाशी बिजली बनने से उनको मूर्छा आई थी। पुलिस ने अपने साथ ला करके अस्पताल में भर्ती कराया, जिनका उपचार निवास हॉस्पिटल में चल रहा है। एक ही बस्ती के हैं, एक परिवार के 2 बच्चे हैं, बाकी आसपास। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।